यहाँ पर हर तरह की चॉकलेट्स बनती है, लेकिन ये चॉकलेट्स किसी को नहीं मिलेगी। ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। आइए मैं आप सबको तरह तरह की स्वादिष्ट चॉकलेट्स खिलाता हूँ। तो मैं हरी वाली खाऊंगा और मुझे वो लाल वाली और मैं वो पीली वाली और मुझे मुझे तो ये सारी चाहिए। हाँ मिस धार परी, ऐसे कहिए चॉकलेट अंकल, आप हम सबको सारे रंगों की चॉकलेट्स दे दीजिए। हरी भी, ब्राउन भी, गोल्डन वाली भी, लाल भी, नीली भी, पीली वाली भी, बच्चे ये सारी चॉकलेट खाएंगे अभी, खाकर इन्हें सब खुश हो जाएंगे। ए, हरी भी, लाल भी, गोल्डन वाली भी। बस बस मस्त है। हाँ ऐसे मार। अरे अरे दो मिनट। बस अच्छा हुआ हमने आपकी गाड़ी में बैग रख दिया था, वरना हम ऐसे काले कपड़े में घर कैसे जाते हैं। लेकिन बॉस आपके तो बाल नहीं है, तो भी आप अपनी गाड़ी में हेयर ड्रायर क्यों रखते हो? हमारे लिए, मेरा मतलब है जैसे केवल मॉन्टवॉस पिज्जा बर्गर खरीदते हैं और खाते तो हैं मैं ना। वैसे ही जैसे कॉमिक्स बॉस खरीदते हैं लेकिन पढ़ते तो हम हैं ना। और वैसे ही गुस्सा मुझे आता है और मां तुम खाते हो। रोहित केवल इस क्रिसमस ट्री को देख के ना मेरे दिमाग में ख्याल आया। क्या बॉस, कहीं आप इस क्रिसमस ट्री से गिफ्ट में आपके बाल तो वापस मांगने के लिए नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, मैं ये सोचो गिफ्ट में मैं तुम्हें गंजा करवा दूँ। नहीं बॉस, नहीं बॉस, सॉरी सॉरी। तुम्हें याद है बालवीर ने कहा था कि बच्चे अगर मन से हंसेंगे तो ये क्रिसमस ट्री बड़ा हो जाएगा और इस पे बहुत सारे गिफ्ट लगेंगे। हाँ। तो सोचो अगर मैं इस क्रिसमस ट्री को मेरे लॉन में लगा दूँ तो फिर पूरे साल हमें ढेर सारे गिफ्ट मिलेंगे, है ना कमल का आइडिया? हाँ। एकदम बेकार आइडिया है। बॉस हम आपको तो हिला नहीं पाते, इस बड़े से जाइंट क्रिसमस ट्री को हम कैसे हिला पाएंगे? तुम एक नंबर के गधे हो। बॉस एक नंबर के नहीं, हम दो नंबर के, एक नंबर के आप हो। दिमाग लगाओ अपना, अगर ये क्रिसमस ट्री हंसने से बड़ा होता है तो फिर ये रोने से छोटा भी तो होता होगा ना। अब हम तीनों खूब रोएंगे और फिर ये क्रिसमस ट्री छोटा हो जाएगा, फिर इसे मेरे गाड़ी में डालकर घर लेकर जाएंगे। मुश्किल है बॉस। क्यों? क्योंकि बॉस हमें आपको देखकर हमेशा हंसी आती है। पर वो क्या है ना, मुझे रुलाना आता है, देखोगे? उल्टे घूमो। रोहित केवल ये क्रिसमस ट्री हमारे रोने पे छोटा नहीं हो रहा है। अरे बॉस हमें अंदर से कुछ नहीं दिख रहा है। सॉरी। देखो बॉस ये भी एकदम आपके दिमाग की तरह है, जैसे आपका दिमाग कभी बड़ा होता नहीं है वैसे ये झाड़ कभी छोटा नहीं होता। चुप, लगता है बालवीर जी ने हमारी बातें सुन ली होगी और वो हमें पनिशमेंट दे रहे। चलो चलो सॉरी बोलो। मैं वादा करता हूँ बालवीर जी, आज के बाद मैं कभी बुरा नहीं बोलूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी बुरा नहीं सुनूंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी बुरा नहीं देखूंगा। ना सुनेंगे ना देखेंगे, बुरा ना बोलेंगे, हम तीनों आज के बाद अच्छे बच्चे बनेंगे। ना सुनेंगे ना देखेंगे, बुरा ना बोलेंगे, हम तीनों आज के बाद अच्छे बच्चे बनेंगे। बालवीर और परियो, अब बच्चों के लिए चॉकलेट बनने में कुछ और समय बाकी है, लेकिन इसमें भी आप सबका फायदा है। हमारा फायदा? पर कैसे? क्योंकि जब तक बच्चों के लिए चॉकलेट नहीं बनती तब तक चलो मैं आप लोगों को चॉकलेट लोग की और भी कई अद्भुत चीजें दिखाता हूँ।
और ढेर सारी चॉकलेट्स खिलाता हूँ। हाँ चॉकलेट अंकल, ये अच्छा रहेगा, सैर की सैर भी हो जाएगी और साथ में चॉकलेट्स का मजा भी मिलेगा। तो चलो चलो। ना समझ ना दान परियां खुश हो रही हैं कि इन्हें चॉकलेट लोग की सैर करने को मिल रही है। जाओ तुम करो चॉकलेट लोग की सैर और हम यहाँ खाएंगे चॉकलेट्स और हम यहाँ बनाएंगे बच्चों को छोटा छोटा करने वाली नई धुन। चॉकलेट अंकल, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी प्रकार की चॉकलेट्स में हो सकती है। हाँ, इतने प्रकार की चॉकलेट हमने कभी परीलोक में भी नहीं बनाई। मेरा तो जीवन ही चॉकलेट है। मुझे बच्चों के लिए तरह तरह के अलग अलग प्रकार के चॉकलेट बनाने में बहुत मजा आता है। तभी तो मैं मीठा। जी चाहता है कि इन सारे चॉकलेट्स के गुब्बारे बनाकर बाकी परियों के लिए परीलोक भेज दूं। अरे नहीं नहीं गाल परी, ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना और चॉकलेट के लालच में सब परियां और डूबा डूबा अपना सारा काम छोड़ के यही चॉकलेट लोक में आ जाएंगे। हाँ। शुक्रिया चॉकलेट अंकल, क्या आपने इतना अद्भुत और खूबसूरत लोक बनाया है। यहाँ की तो हर चीज निराली है। बालवीर, मैं तुम्हें एक और अद्भुत चीज दिखाना चाहता हूँ, ऐसी चीज जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इस चॉकलेट लोक में चॉकलेट की रेलगाड़ी है। क्या? रेलगाड़ी? चॉकलेट की रेलगाड़ी? नहीं नहीं नहीं, चॉकलेट की रेलगाड़ी कैसे हो सकती है? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो वहां देखो। चॉकलेट अंकल, आपका मतलब है कि चॉकलेट की पटरी पर सचमुच की चॉकलेट की ट्रेन चलने वाली है? अरे वाह, मैं भी देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हाँ चॉकलेट अंकल, हम सभी बहुत उत्सुक हैं। वो देखो, फैल गए इसमें छल की बुराई के सुर। अब इन चॉकलेट्स को खाकर बिगड़ेगी बच्चों की ताल। दगदम तार, दगदम तार, दगदम कदर तार। चॉकलेट अंकल, आपकी चॉकलेट की रेलगाड़ी तो बड़ी ही अद्भुत है, लेकिन क्या मैं ये चॉकलेट चख सकता हूँ? तुम यहाँ चॉकलेट लो के हर चॉकलेट चख सकते हो मुझे छोड़ के।
क्योंकि मैं खुद चॉकलेट का बना हुआ हूँ और मैं मीठा हूँ। तो ठीक है, मैं ये चॉकलेट चख कर देखता हूँ। इसका मुंह तो देखो। मजा आ गया चॉकलेट अंकल। ऐसे तो चॉकलेट मैंने पहले कभी नहीं खाई, बहुत स्वादिष्ट थी। शुक्रिया बालवीर। चॉकलेट अंकल, आपकी चॉकलेट में तो सच में जादू है। आपने बच्चों के बीबी बी को फिर से बच्चा बना दिया। शुक्रिया। मुझे इतना मजा आया, बच्चों को ये चॉकलेट खाने में कितना मजा आएगा। मैं तो ये पल देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। अरे चॉकलेट के स्वाद में हम तो भूल ही गए कि चॉकलेट के कारखानों में चॉकलेट तो तैयार हो गई होंगी। अरे हाँ, है ना। मैं तो भूल ही गया। चलो 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 मेरे साथ। बस अब मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं होता। अब जल्दी जल्दी बच्चे ये चॉकलेट्स खाएं और इन्हें खाते ही चींटियों की तरह एकदम छोटे छोटे हो जाएं। अब देखती हूँ कैसे गूंजता है सच्चाई का संगीत। आइए। तौबा तौबा गोबा गोबा, मुझे लगता है कोई आ रहा है। तुम दोनों जल्दी से जाकर कहीं छुप जाओ। आइए। लो, सारी चॉकलेट्स तैयार हो गई है। अब आप सब इसे पृथ्वी लोक में बच्चों को बांटने के लिए ले जा सकते हैं। और हमारा झोला भी तैयार है। इतनी सारी चॉकलेट्स देखकर बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ। मजा नहीं बल्कि रोएंगे बच्चे इन चॉकलेट्स को खाकर, क्योंकि इन्हें खाकर बच्चे खुशी से उछलेंगे नहीं बल्कि चींटियों की तरह अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर दौड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चॉकलेट अंकल कि आपने बच्चों के लिए और हमारे लिए इतनी स्वादिष्ट चॉकलेट बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं चॉकलेट अंकल, क्योंकि बच्चों के पास उपहार और चॉकलेट्स भेजने का समय हो गया है। लेकिन हाँ, हमें आपके इस चॉकलेट लोक में आकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत मजा आया। बच्चे बीबीबी के प्रशंसक है, लेकिन आज बीबीबी खुद मेरा प्रशंसक है। मतलब चॉकलेट अंकल की चॉकलेट्स का प्रशंसक है। हाँ हाँ, क्योंकि आप
मीठे हो। परियां अभी आप परी लोग जाइए, हम और बालवीर पृथ्वी लोग जाएगा, क्योंकि हमको बच्चा लोग के लिए बहुत सारा सरप्राइज रेडी करने का है। और बालवीर, जैसा तुमने सोचा था वैसा हम बच्चा लोग को चॉकलेट का बारिश देगा। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलोंग राइडिंग ऑन हिज स्लीव। Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on his sleigh. खुश रहो चॉकलेट अंकल, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो परियो, खुश रहो सेंटा क्लॉज। अगले साल फिर मिलते हैं। Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. बारिश तो जरूर होगी बच्चों, लेकिन चॉकलेट्स की नहीं, मुसीबतों की बारिश। मीठा है। सेंटा क्लॉस, अभी क्रिसमस पार्टी शुरू होने में बहुत समय है, तो हम इतनी जल्दी क्यों आ गए? बालवीर माय चाइल्ड, हमने बच्चा लोग को क्या प्रॉमिस किया था कि उनका पार्टी एकदम शानदार होगा, तो पार्टी के लिए हमको तैयारी भी तो करना पड़ेगा ना माय चाइल्ड? हाँ, चॉकलेट्स की बारिश की तैयारियाँ। एग्जैक्टली बालवीर, अब देखो जैसा हम बोलता है तुम वैसा करो, इसको पकड़ो, अब पीछे जाओ। बालवीर, अब हम थ्री काउंट करेगा, जैसे ही हम थ्री बोलेगा ये सारा चॉकलेट हम आसमान की तरफ उड़ाएगा। ओके हो, ओके। वन टू एंड थ्री। सांता क्लॉस, ये सारी चॉकलेट्स तो गायब हो गई, अब बारिश कैसे होगी? ओ बालवीर, अभी क्रिसमस का पार्टी को बहुत टाइम है, पार्टी के अंदर जैसा हम ताली बजाएगा वैसा बच्चा लोग के ऊपर चॉकलेट बरसेगा और चॉकलेट का बारिश होगा। अरे वाह सेंटा क्लॉस, ये क्रिसमस तो बच्चों के लिए बड़ा ही शानदार और मजेदार होगा। चलो चलो, हमको पार्टी के लिए और भी तैयारी करना है। ओके चलो चलो। दगड़ तुम, हड़ हड़। हर कुत्ते, अरे कुत्ते, अरे हड़ बोला ना तुझे कुत्ते। तौबा 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 तौबा। अरे हड़। खाने दो उसे। लेकिन व्यर्थ हो जाएगी वो चॉकलेट। नहीं, मुझे देखने दो कि मेरा छोटा करने वाली चॉकलेट काम कर रही है या नहीं। छल परी, चलो होश आ इस बात पे। दावत दावत नहीं, जश्न होगा तौबा तौबा, जश्न।
लेकिन चॉकलेट्स की बारिश के बाद अब देखना बुराई के सामने सच्चाई भी इतनी छोटी नजर आई। छल 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 छल।